मैं 11 तारीख को जब जा रहा था तो मैंने सर से बात की थी, मैं क्या था 10 तारीख मैं जब 10 तारीख को ग्राउंड के पास पहुंचा था तो मेरे पैर में क्या था चोट आ गई थी, तो मेरे को दर्द था बहुत, तो मैंने सर से बात की थी सर मेरा फिजिकल नहीं हो पाएगा, मेरे दर्द है, मैं सर चल भी नहीं पा रहा हूँ। सर ने बोला कि तू जा और तेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया, तेरा सारे इवेंट तो आ रहे हैं इधर, दिक्कत क्या है? मेरा ठीक है सर। मैं जब वहाँ पहुँचा ग्राउंड पे 3:30-4 बजे में पहुँच गया था, क्योंकि रात में नींद ही नहीं आई थी उसके चक्कर में। तो मैं 3:30-4 बजे जब पहुँचा तो मेरा 69वां नंबर था, मतलब 7वां बैच था मेरा, तो दर्द हो रहा था। मैं ग्राउंड पहुँचा, सर ने मतलब मुझे जितना चीज़ बताई थी मैं उससे पहले वो सब काम कर चुका था, कि सर जब रनिंग कराते थे रनिंग करता था जो जितनी बताते थे, और सर ने जो भी करवाया कि पर्ची रखना माता पिता के पैर के नीचे वो भी मैंने किया, सभी किया, मतलब हर चीज़ की, क्यों मुझे खुद पे विश्वास नहीं था पर सर पे विश्वास था। तो मैंने सर के सारे मतलब जितने भी चीज़ थी वो सब मैंने मतलब वो की, सर पे विश्वास था मेरे को, खुद पे विश्वास नहीं था, मैंने सर की सारी चीज़ें फॉलो की। तो मैं जब ग्राउंड पहुंचा तो मैंने ट्रैक पे जब लगा तो मेरा 9वां नंबर लगा था, मतलब 7वें बैच में 9वें नंबर पे था। मैं जब दौड़ने के लिए खड़ा हुआ तो कुछ पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि बेटा तू कैसे दौड़ेगा, जब चल नहीं पा रहा है तो दौड़ेगा कैसे? नहीं सर मैं दौड़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब ट्रैक पे पहुंचा मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट राउंड मैंने लगभग 1:17 में लगाया। मैं उसके बाद दौड़ना स्टार्ट किया तो मेरे पैर का दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, पर सर ने जब ग्राउंड पे गया था तो सर ने एक कसम दी थी कि तुम्हें मेरी कसम है डिस्क्वालीफाई होके मत आना, क्वालीफाई होके ही आना। मैं रुकना भी चाह रहा था कि मैं रुक जाऊं अगली बार देखना कोई दिक्कत नहीं है, पर सर की उस कसम को मेरे को याद आया तो मैंने कहा एक बार सर के लिए और देख लेता हूं। तो मैं दौड़ गया, मैं दौड़ा तो 600 मीटर 700 मीटर पर पहुंचा, उसके बाद तो मेरा मतलब पैर उठना ही बंद हो गया था। पर जब सर मल्लार आश्रम में खड़े रहते थे ना तो बोलते थे कि बेटा दौड़ अपनी स्पीड बढ़ा, तो वही चीज़ मुझे याद आई, तो मैंने एक साथ अपनी स्पीड बढ़ाई और मैं मतलब टाइम पूरा अपने टाइम के अंदर ले आया, 2:40 में मेरा टाइम आया था। जब वहाँ से जा रहा था तो मैं लॉन्ग जंप के ट्रैक पे जब जा रहा था तो मतलब सबसे पीछे पीछे चल रहा था मैं, और लॉन्ग जंप में मेरा पहला नंबर लगा दिया था, रनिंग में मेरा सबसे पीछे लगाया लेकिन लॉन्ग जंप में सबसे पहला नंबर लगा दिया, तो थोड़ा अंदर से घबराहट थी कि पहले नंबर पे और चला भी नहीं जा रहा था। जब लॉन्ग जंप पे गया तो मैं मतलब यहाँ मेरी लॉन्ग जंप जब सर ने वो करवाया था, रनिंग भी मेरी 2:44 लास्ट ट्रायल आया था, यहाँ 2:40 आ गया था जबकि मेरे दर्द था उसके बाद। तो जब लॉन्ग जंप का ट्रायल हुआ था तो मेरी एक ही बार में 3 बार डिस्क्वालीफाई हुआ था, यहाँ 12:45 तक ही गिरती थी, पर जब ट्रायल हुआ था उसमें मेरी 12:45 ही गिरी थी, 3 बार डिस्क्वालीफाई हुआ था। और वहाँ मैंने लॉन्ग जंप जब की तो फर्स्ट बार में ही मैंने, और फर्स्ट मेरा वो था तो मैंने मतलब अपने ग्रुप में एक्सीलेंट मारा था, 4.39 की मतलब 4.39 मीटर मेरी लॉन्ग जंप आई थी लगभग 15 फिट के लगभग, केवल सर के विश्वास की वजह से। सर ने बोला था कि वहाँ पहुँच के और चिल्ला देना जोर से, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो दर्द तो था ही, जब मैं उस पर ट्रैक पे गया तो मेरी एक साथ आवाज़ निकली और जोर से चिल्लाया, तो मैं जब उस पर जब ट्रैक पे कूदा तो सभी पुलिस वालों ने ताली बजाई, क्योंकि कि जो बंदा चल नहीं पा रहा था उसने अपने ग्रुप में एक्सीलेंट मार दिया, 15 फिट लॉन्ग जंप मार दी। उसके बाद में मेरा गोला, तो गोला भी मैं 18:30-19 तक ही फेंकता था, 19:30-19 कभी कभी हो जाता था यहाँ। उसके बाद में वहाँ पहुँचा तो गोला में भी मेरा पहला ही नंबर था, तो पहला नंबर था, मैं गोला रखा, मैं अपने तरीके से फेंक दिया, सोच के ऐसे ही फेंक दिया तो 18:30 के लगभग गया था। तो थोड़ी घबराहट हुई पर मैं सर का ध्यान गया कि सर बोलते थे कि गदेली पर रख के किया, तो मैं उंगली पर रख के हमेशा गोला फेंकता था तो मेरा गोला कभी आता ही नहीं था, मैंने गदेली पर रख के फिर जोर से हवाई लगा के फेंका तो मेरा फिर गया था 6.54 मीटर लगभग 21 फिट के लगभग। तो मैं मतलब गोला भी अच्छे से पास करके आया, क्योंकि मेरे को सर पे विश्वास था पर खुद पे विश्वास बिल्कुल नहीं था एक ही था। तो मैं मतलब यही बोलना चाहूँगा, सर पे विश्वास है वो तो तुम्हारा कभी डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं सकता है, चाहे तुम्हारा ट्रायल में 3 मिनट आए या तुम्हारा कभी 12 फिट लॉन्ग जंप आए या 11 फिट आए, सर पे अगर विश्वास रहोगे तो वहाँ जरूर तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा। जय सर।